आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश भर में जानलेवा वायरस लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसकी रफ्तार जिस गति से बढ़ रही है ठीक उसी तरीके से संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। जो तस्वीरें हैं लगातार डराने वाली सामने आ रही है। कई राज्यों ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है और कई राज्यों में कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में कल रात से लॉकडाउन शुरू हो गया है। फिलहाल सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कई स्टेशंस पर एंट्री गेट बंद कर दिए हैं। कौन कौन से मेट्रो स्टेशंस पर एंट्री फिलहाल बंद है अब ये आपको बता देते हैं। तो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बंद है। दिल्ली में सोमवार रात को 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महामारी के बढ़ते मामलों के कारण ये कदम उठाना आवश्यक हो गया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर दवाओं, बिस्तर, आईसीयू और ऑक्सीजन की गंभीर कमी है। ऐसे में स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। निजी कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान जैसे दुकानें, मॉल, साप्ताहिक बाजार, निर्माण इकाइयां, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, सार्वजनिक पार्क, खेल परिसर, जिम, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 23,686 नए मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं कल 21,500 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि इस वायरस से 240 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब तक 12,361 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। दिल्ली में फिलहाल 76,887 लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं, जो कि तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है और चिंता का विषय है। राज्य की विधानसभाएं के अध्यक्षों के साथ, संसदीय कार्य मंत्री के साथ, मुख्य सचेतक के साथ, प्रतिपक्ष के दल के नेताओं के साथ आज हमने संवाद करके, चर्चा कर इस कोरोना संक्रमण वायरस को हम जनता की जागरूकता के माध्यम से जनता में सतर्क रहें, सजग रहें और इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए नीचे तक की संस्थाएं काम करें, इसके लिए हमने चर्चा की है। देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत राज से लेकर दिल्ली तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं सामूहिक रूप से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगर जन आंदोलन बनाएगी, जनता से आग्रह करेगी, वो खुद भी सुरक्षित रखें, औरों को भी सुरक्षित रखें और इस प्रयास को हम सामूहिक रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से इस कोरोना संक्रमण वायरस को रोक पाएंगे। क्योंकि ये वायरस जनता से जनता के बीच में जाता है, मनुष्य से मनुष्य के अंदर जाता है और इसलिए इसमें सावधानी बरतना, सतर्कता बरतना सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सभी संभव है जब सब राजनीतिक दल के नेता, सब जनप्रति, धार्मिक, सब संस्थाएं, सभी लोग सामूहिकता से काम करें, क्योंकि लोकसभा लोकतांत्रिक देश की सर्वोच्च संस्था है, इस नाते उसकी जिम्मेदारी है कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं इसको जन। माय अपील टू द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली आर दे शुड ऑब्जर्व द लॉकडाउन, स्टे इनडोर्स and at the same time I also like to say that most of the essential services or the commodities, they are available. There is absolutely no difficulty in obtaining them even during the lockdown period. It is better to stay indoors, observe the lockdown and help the administration and police, the health official, in containing the virus which is spreading very fast. Some people, some liquor and some other things, and now we are seeing what kind of It is very unfortunate that a small minuscule of people are sort of spoiling
the image. I once again say that a very large majority of residents of Delhi, they are observing the rules, they are following the protocol and staying indoors. It is the small number of people who are out to buy commodities from the markets and various other shops. So let me tell them in a very plain words that this kind of irresponsible behavior will not. यहाँ पे तो अभी ज़्यादा ही है, कम होना चाहिए. जो ये मंडी वाले मास्क तो लगाते ही नहीं है, जिससे ज़्यादा बीमारी हो रखी है. जो मास्क जरूरी हमारे लिए है, क्यों यहाँ पे कैसे LNJP में बहुत केसेस आ रखे हैं, बहुत हालत बिगड़ी हुई है. हम तो रोज ही देख रहे हैं एम्बुलेंस कितनी जा रही है यहाँ पे. बहुत ज़्यादा भीड़ है, कम होनी चाहिए. जैसे 100 में से 50% होनी चाहिए, बहुत भीड़ है, अंदर कोई मास्क नहीं है. मुरारी संवाददाता इस समय हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं. मुरारी, क्या अपडेट है मुंबई में, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं? जी काजल, मुंबई सहित महाराष्ट्र के हालात में कोई सुधार नहीं आ रहे हैं. प्रतिदिन जो आंकड़े हैं या फिर नए इलाके हैं वो प्रभावित हो रहे हैं. लापरवाही की बात करें तो आज भी उस तरीके की लापरवाही हर जगह देखी जा रही है, और यही वजह है कि एक दूसरे से संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है. लोग मास्क लगा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि संक्रमण उन लोगों के बीच काफी तेजी से फैल रहा है. महाराष्ट्र सरकार स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार जंबो कोविड सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर से साथ ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार सलाह कर रही है. डॉक्टरों के साथ, विपक्ष नेताओं के साथ भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस कड़ी को किस तरीके से रोका जाए और जनता में किस तरीके की जागरूकता फैलाई जाए. लगभग एक सप्ताह से सरकार पूरी कोशिश कर रही है लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है. प्रतिदिन मरने वालों के आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है. कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. जी काजल, जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार अपने घरों को जा रहे हैं, अपने गृह राज्य को जा रहे हैं. सबसे बड़ा चिंता का विषय उनके लिए है, क्या ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है प्रवासियों की? जी काजल, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से गोरखपुर स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जिस तरीके से लखनऊ स्पेशल ट्रेन चलाई गई है प्रवासी मजदूरों की भीड़ को देखते हुए, मुंबई से सटे पनवेल रेलवे स्टेशन से नई ट्रेनें रवाना हो रही हैं, जबकि दादर, कुर्ला, बीटी, बांद्रा और बोरीवली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन जो है दर्जनों ट्रेन जो है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर के जा रही है. तो ऐसे में लगातार पलायन जारी है, और जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लॉकडाउन की एक आहट लग चुकी है, और यही वजह है कि अपने मूल गांव के लिए प्रस्थान किए हैं, और रेलवे स्टेशनों पर इनकी भीड़ भी देखी जा रही है. जी काजल, दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, वहां पर लॉकडाउन भी लगा दिया है, वो भी 6 दिनों का. महाराष्ट्र में अभी सिर्फ और सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू से काम चल पा रहा है, कुछ पाबंदियां हैं अन्य, उनसे काम चल पा रहा है. वो प्रभावी दिख रही है, कोई प्रभाव उनका दिख रहा है? वीकेंड लॉकडाउन रखा गया, उसका प्रभाव जरूर देखा गया है, क्योंकि 63,000 से 67,000 तक यहाँ पर 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव के केस थे, आज 58,000 से ज्यादा केस पाए. तो कहीं ना कहीं जो 5,000 से 7,000 जो की केसों का जो गिरावट देखा गया है वो वीकेंड लॉकडाउन का है. लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं इनसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि न तो महाराष्ट्र के अस्पतालों में अब बेड बचे हुए हैं, न तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है. वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पहले ही जो है कि इसकी शिकायत और मांग कर चुकी है. तो ऐसे में हालात बिगड़ रहे हैं, और भी स्थिति सुधारने के लिए कड़े प्रतिबंध और लोगों के बीच जागरूकता होनी जरूरी है, नहीं तो हालात खराब हो जाएंगे. कह सकते हैं कि अब एम्बुलेंस की भी काफी किल्लत हो रही है. अस्पताल के बाहर पेशेंट घंटों खड़े हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, तो कहीं ना कहीं हालात अब बदतर होने जा रहे हैं. जी काजल, अस्पतालों की अगर बात करें, अस्पतालों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, उस पर राजनीति जमकर हो रही है. कैसे हालात अस्पतालों के, क्योंकि अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो ये थी कि बेड खत्म हो चुके हैं, फर्श पर मरीज पड़े हुए हैं. अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों की हालत जो है काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी जो है, डॉक्टर है, चाहे नर्स है, सिस्टर है, उन्हें भी अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि परिजनों द्वारा लगातार आलोचना की जा रही है, मांग की जा रही है. सरकारी अस्पताल में किल्लत के साथ साथ अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी बेड नहीं बचे हैं. रिसेप्शन से लेकर डॉक्टर के केबिन तक बेडरूम बनाए जा रहे हैं. लगातार जिस तरीके से पेशेंट बढ़े हैं
ऐसे में मुंबई के अस्पताल में अगर आपको बेड ढूंढना है तो लगभग 2 दिन आपको मशक्कत करनी होगी। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सीरियस हैं, आप पूरी तरह से बेड की ऑक्सीजन की जरूरत है, सही समय पर आपको नहीं मिलेगा तो उसका नतीजा जिस तरीके से मरने वालों के आंकड़े आ रहे हैं, आने वाले समय में आंकड़े काफी बढ़ सकते हैं। जी काजल, मुरारी एक बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है कि एक साल मिला महाराष्ट्र की सरकार को इंतजाम करने के लिए, सरकार एक साल में इंतजाम नहीं कर पाई क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे वो राजनीति जमकर हो रही हो या फिर कुछ भी हो, कोरोना को पूरा एक साल हो चुका है, एक साल में इंतजाम सरकार से हो नहीं पाया या फिर करने की कोशिश नहीं की या फिर सिर्फ लापरवाही या फिर सिर्फ सत्ता प्रेम। काजल देखिए, तो कहना मुश्किल है कि सरकार आखिर क्यों नहीं कर पाई। सरकार जो कोरोना काल में जो जंबो सेंटर बनाए थे उसे भी नहीं संभाल पाई और इसी का खामियाजा है कि उन्हें बेडों की काफी किल्लत हो रही है। मुंबई के बीके सी में बात करें या नेस्को की बात करें या दहिसर चेकनाके पे जम्मो लगभग 1000 से 1200 तक के बेड बने थे, लेकिन जैसे ही संक्रमण हटाई गई और धीरे धीरे वो सेंटर बंद किया गया और इसी का नतीजा है कि अब नए सेंटर तैयार करने में इन्हें काफी दिक्कत हो रही है। जहाँ एक तरफ राजनीतिक सियासत और राजनीतिक बयानबाजी में परेशान चल रहे हैं, वही कोरोना संक्रमण भी महाराष्ट्र सरकार के लिए किसी आफत से कम नहीं है। और काजल एक बात बता दे कि 2 ही 1 महीने के अंदर मुंबई में बरसात शुरू होगी, लेकिन कहीं भी कोई साफ सफाई गटर नालों की नहीं हुई है। समय रहते सरकार जागरूक नहीं हुई तो कोरोना से घातक। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुंबई में हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, मरीजों को कहां रखा जाए, सबसे बड़ा चिंता का विषय अस्पतालों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं क्योंकि देश भर में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। कोविड-19 की जो स्पीड है फुल, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना की फुल स्पीड इस समय देखने को मिल रही है। आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है, 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, 12वीं की परीक्षा अब ऑफलाइन होगी। 12वीं की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होगी। देश भर में लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, पूरे देश भर में हाहाकार कोरोना को लेकर मचा हुआ है क्योंकि स्पीड जो है लगातार कोरोना की बढ़ती चली जा रही है, कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक, राजस्थान में भी, हर राज्य में लगभग एक जैसे हालात इस समय कोरोना को लेकर दिखाई दे रहे हैं। अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों में यह आंकड़ा कई जगह पर दोगुना हो जाता है। संभालने की कोशिशें तो बहुत की जा रही है, सरकारों की तरफ से अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे भले ही लॉकडाउन के फैसले को लेकर हो, नाइट कर्फ्यू के फैसले कर हो, या फिर दूसरे कर्फ्यू को, या फिर वीकेंड कर्फ्यू हो, तमाम ऐसे प्रयास हैं जो कि लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि जो कोरोना की स्पीड है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अस्पतालों में जगह नहीं है, शमशान घाट में भी जगह नहीं है। तो हालात अब ये हो चुके हैं कि संक्रमितों की तो संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमितों के लिए जगह अस्पतालों में नहीं है, और जब उसके बाद कोविड-19 मरीजों की मौत हो रही है तो शमशान घाटों में जगह नहीं है। शमशान घाटों की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ऐसी कि जितना बड़ा शमशान घाट नहीं है उसमें एक साथ इतनी सारी चिताएं जल रही हैं, क्योंकि मौत के आंकड़े कोरोना की वजह से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि आप लापरवाही मत करिए, हम आपसे यही अपील करेंगे कि लापरवाही मत करिए, जितना हो सके खुद को सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, और बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, क्योंकि कोविड-19 से जितना सुरक्षित आप रहेंगे उतना सुरक्षित पूरा देश रहेगा। अगर आप खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो पूरा देश भी सुरक्षित नहीं रख पाएगा। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव, 10वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है, कोरोना का काल इस कदर बरपाया हुआ है। बिल्कुल इससे बात करें कोरोना की, तो कोरोना की बिल्कुल रफ्तार बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ रही है दिल्ली सरकार को, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर 6 दिनों के लिए लॉकडाउन चलेगा, मगर देखना होगा क्या क्या स्थिति संभल पाती है। मगर बात करें जिस तरीके से बोर्ड के एग्जाम की 10वीं की जो परीक्षाएं थी वो बिल्कुल रद्द कर दी गई है, और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जनता
बच्चे और सभी बड़े तो बचे रहे इस वायरस से और कहीं ना कहीं उनको लिए घरों में बैठने के लिए कहा जा रहा है, मगर जिस तरीके से लगातार अभी भी जनता बाहर निकल रही है और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए कोशिश जरूर की जा रही है। जी राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि दसवीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ देश की राजधानी दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। राजीव, हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात क्यों ना हो। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली के अंदर भी हालात बिगड़ रहे हैं और पूरे देश के हालात भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है, रोज नए आंकड़े आते हैं और रोज कहीं ना कहीं राज्यों को, सरकारों को और केंद्र सरकार को मुश्किलें खड़ी होती है, मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कोरोना की स्थिति को संभालने के लिए अब राज्य सरकारें भी कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है, दोनों ही सरकारें मिलकर एक दूसरे से काम कर रही है, मगर लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है और इसी के लिए अब फिर एक आदेश जारी किया गया है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 18 साल से ऊपर के लोग उनको अब वैक्सीन का टीका दिया जाएगा, यानी कि 18 साल से बालिक जो बच्चे होंगे या फिर कहें युवा होंगे उनको भी अब टीका दिया जाएगा, मगर जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो रफ्तार है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी जनता की तरफ से लापरवाही की जा रही है। प्रवासी मजदूरों की बात करें तो प्रवासी मजदूर बिल्कुल बाहर निकले हुए हैं, लगातार वो अपने गाँव जाना चाहते हैं। बात करें बाजारों की तो बाजारों के अंदर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से सदर बाजारों के अंदर बिल्कुल निकले पड़े हैं। वाइन शॉप की बात करें तो वाइन शॉप पर भी कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है, मगर जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू यानी कि 6 दिनों के लिए जो कंप्लीट लॉकडाउन लगाया है उसके अंदर जो राहत दी है, राहत का कहीं ना कहीं जनता फायदा उठाती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो सरकार की कड़े कदम होने चाहिए थे या फिर सख्ती होनी चाहिए थी वो सख्ती देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से जनता जो है वो लगातार इस तरीके का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, दिल्ली का अपडेट आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि 6 दिनों का लॉकडाउन देश की राजधानी में लग चुका है, रात को 10 बजे से उस लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, हालांकि सीएम ने पहले कह दिया था कि वो लॉकडाउन के समर्थन में नहीं है लेकिन मजबूरी है दिल्ली में लॉकडाउन लगाना क्योंकि जो हॉस्पिटल हैं वो तनाव में आ चुके हैं, अस्पतालों की स्थिति जो है वो तनाव में पूरी तरीके से आ चुकी है, कुछ असर दिख रहा है लॉकडाउन का। देखिए बिल्कुल सर, बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन की तो लॉकडाउन के लिए बिल्कुल दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो लॉकडाउन के हाथ में नहीं है और लगातार कहीं ना कहीं जनता से अपील कर रहे थे कि जनता उनको सहयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग करे, मास्क का यूज करे ताकि कोरोना की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं घट सके, मगर अभी तक वो रफ्तार जो है वो घटती नजर नहीं आ रही और इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया जिसके लिए कहा गया था कि कल रात यानी कि कल रात से 10 बजे से लेकर 6 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले भी कहा कि आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी बात पूरी करेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को हम बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर आपके सामने, ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, भारत के लिए बुरी खबर है ये, भारत से यूके में लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, बड़ी खबर आपके सामने और देश के लिए भी बुरी खबर है, यात्रियों के आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, अमेरिका पाकिस्तान ने भी पाबंदी लगा दी है भारत से आने वाले यात्रियों को क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी बीच में ये बुरी खबर देश के लिए, भारत में बढ़ते संक्रमण को लेकर विदेशों में भी अब असर हुआ है, यात्रियों के आने पर रोक रहेगी, पाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि विदेशों में भी कोरोना की वजह से अब छवि भारत की खराब होने लगी, आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है, भारत से यूके में लोगों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, यानी यहां से लोग वहां पर इस समय नहीं जा सकते, यात्रियों के आने पर पूरी तरीके से अब रोक रहेगी, देश के लिए भारत के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इस कदर लोगों को अपने आगोश में ले रहा है कि विदेशों में स्थिति और ज्यादा खराब हो चुकी है,
भारत के लिए बुरी खबर है, लेकिन ये डर का फैसला विदेशों के लिए भी है, क्योंकि विदेशी अब डर रहे हैं कि कहीं कोरोना वायरस भारत से उनके देशों में ना चला जाए, जिसके चलते वहां की सरकारों ने ये बड़ा फैसला लिया है, रेड लिस्ट में भारत को डाल दिया गया है। ये सोचना होगा हमारे देश की सरकार को, ये सोचना होगा हमारे देश के नुमाइंदों को, जो कि सत्ता में इस समय काबिज हैं और लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे देश को सराहा जाता है विदेशों में, हमारे देश की छवि विदेशों में बहुत अच्छी है। ये सवाल है उन नुमाइंदों पर जो कि सत्ता चलाते हैं इस देश की और लगातार वाहवाही इस बात को लेकर लूटते हैं कि हमारे देश की छवि विदेशों में बहुत अच्छी है, विदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे देश में आते हैं, लेकिन जब भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया गया है तो ये सवाल है उन सत्ताधारियों से कि अब क्या होगा, इलेक्शन या फिर कोरोना। अगर इलेक्शन पर रोक लग जाती और कोरोना की जंग को उस तरीके से लड़ा जाता तो शायद भारत आज ब्रिटेन में रेड लिस्ट में नहीं डाला जाता। राजीव तिवारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, दिल्ली का अपडेट तो आपसे ले ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बहुत चिंता का विषय बढ़ाती है, हम दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं, भारत को ब्रिटेन में रेड लिस्ट में डाल दिया गया है सिर्फ कोरोना की वजह से, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि विदेशों को डरने लगा है और वो डर रहे हैं कि अगर भारत के लोग वहां पर पहुंचेंगे तो कहीं कोरोना ना फैल जाए, रेड लिस्ट में भारत को डालना, समझ रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने जिस तरीके से भारत को रेड लिस्ट पर डाला तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भारत की जो खुद की छवि थी, जो पहले अच्छी छवि मानी जा रहा था कि विदेशों के अंदर भारत का नाम सराहा जाता है, विदेशों के अंदर भारत का नाम सबसे टॉप लिस्ट में आता है, अब वही टॉप लिस्ट से कहीं ना कहीं लिस्ट से बाहर हो चुका है। मतलब सीधे सीधे कहे तो कोरोना की रफ्तार है भारत के अंदर वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, और उसी के मद्देनजर रखते हुए भारत के अंदर से विदेशों के अंदर जो जाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर रोक लगा दी गई है, और ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि भारत को अब रेड लिस्ट में डाला जाए। मगर जिस तरीके से भारत के जो नुमाइंदे हैं, बड़े नेता हैं, जिन्होंने चुनाव के प्रचार के करने के लिए इस तरीके के कदम उठाए, और यहाँ तक कि जो कोरोना की रफ्तार है सबसे बड़ा योगदान उसी केंद्र सरकार का है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हर तरीके से सारे मुलाकातों को पार किया गया और लगातार जनता तक एक मैसेज किया कि जब चुनाव कर रहे हैं जो बड़े नेता उनको कुछ नहीं हो रहा तो जनता को भी कुछ नहीं होगा, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी चेन बनती चली गई, क्योंकि आज की डेट में लगभग 2 लाख के करीब पर 24 घंटे के अंदर केस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है, और कहीं ना कहीं भारत के उन बड़े नेताओं को समझना होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने छवि बनाई थी, छवि बिगड़ने में कितनी देर लगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि भारत के अंदर छवि बन रही है, भारत की छवि अच्छी बन रही है, मगर वही छवि अब खराब होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भारत के जो नेता है, बड़े नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर केंद्र सरकार हो या फिर राष्ट्रपति हो या फिर कोई और राज्य की सरकारें हो, सबों ने अपना कहीं ना कहीं योगदान कहीं ना कहीं गलत दिया है, क्योंकि जिस तरीके से सभी को संभालने की कोशिश की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार को भी बात की समय था, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास भी समय था, क्योंकि 1 साल का लंबा समय होता है, उसी बीच कहीं ना कहीं कोरोना की जो स्थिति बिल्कुल संभाल लेनी चाहिए थी, अस्पतालों की गिनती बढ़ानी चाहिए थी, वैक्सीन की प्रक्रिया बढ़ानी चाहिए थी, और अपने देश के लोगों को पहले वैक्सीन देनी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर राजनीति की गई थी और राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया गया था। मगर अब जो स्थिति बिगड़ रही है, अब भारत सरकार ने एक और कदम उठाया कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, मगर यही मांग पहले केंद्र राज्य सरकारें भी कर रही थी कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन दी जाए, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने फिर देरी की, और कहीं ना कहीं जो वायरस का खतरा बढ़ चुका है उसके बाद में वैक्सीन का जो टीकाकरण है अब 18 साल से नीचे के लोगों के ऊपर के लोगों के लिए भी दिया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं जब तक छवि खराब हो चुकी है और कहीं ना कहीं विदेशों के अंदर भी भारत का नाम खराब हो रहा है, और देखना होगा क्या इसी तरीके से भारत का नाम खराब होता रहेगा या फिर कोई बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। राजीव, एक और इसी चीज को लेकर एक और सवाल उठता है, सवाल इसलिए उठता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की छवि दूसरे देशों में अच्छी थी, हालांकि कई ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से विदेशों में भारत की छवि अच्छी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो, जो विदेशी ट्वीट करते हैं, किसान आंदोलन सुर्खियों में आ चुका था, भारत की सुर्खियों में नहीं बल्कि दूसरे देशों की सुर्खियों में, वहां पर सरकार की फजीहत होती है, उसके बाद कोरोना इस तरीके से अपने आगोश में पूरे देश को लेता है कि यहां पर भी सरकार की फजीहत होती है, जो इमेज बनाई थी, जो एक इज्जत भारत ने दूसरे देशों की नजर में बनाई थी, अब दोबारा से उसी इज्जत को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये लापरवाही सिर्फ सरकार की है, अगर पहले से
अगर इंतजाम किए जाते, इंतजाम अगर हम समझे तो एक साल से ये स्थिति लगातार चल रही है, एक साल से अगर समझा जाता कि दोबारा से दूसरी वेव इसकी आ सकती है, हमें इंतजाम करके रखने चाहिए, लेकिन देश की सरकारों ने वो बिल्कुल नहीं सोचा, इलेक्शन में ध्यान दिया। अब विदेशों में वही छवि बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय और लंबा वक्त लग जाएगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें एक साल पहले की यानी 2020 की, तो कहीं ना कहीं WHO ने फिर स्पष्ट किया था कि कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल दोबारा बढ़ सकती है और कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, मगर केंद्र सरकार को समझना चाहिए था और उसी के बीच में उनके पास काफी लंबा समय था और कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, मगर केंद्र सरकार ने सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव की तरफ चले गए, किसानों का बात भी नहीं सुनी, किसानों ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया और उसके मद्देनजर रखते हुए केंद्र जो भारत का नाम जो बना था वो अब डूबता नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों की तरफ से भी कहीं ना कहीं किसानों जो सरकार का नाम था वो डूबा था, कहीं ना कहीं वैक्सीन की प्रक्रिया जरूर बढ़ाई गई थी मगर वो वैक्सीन को लेकर भी राजनीति की गई, क्योंकि जिस तरीके से भारत के लोगों के लिए भी वैक्सीन कम पड़ती नजर आई और यहाँ तक कि आप ऑक्सीजन कम पड़ रही है, बेड कम पड़ रहे हैं और वैक्सीन भी कमी पड़ रही है, राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से पहले भी कह रही थी कि वैक्सीन की उपलब्धि कराई जाए, वैक्सीन कमी पड़ रही है, वैक्सीन हमारे पास कुछ दिनों की रह गई है, मगर केंद्र सरकार ने सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ चुनावों की तरफ लगाया हुआ था क्योंकि उनको सत्ता हासिल करनी थी, मगर सत्ता के साथ साथ अब वो जो भारत का नाम था, जो विदेशों का नाम था वो बिल्कुल डूब चुका है और कहीं ना कहीं जब भारत को ब्रिटेन ने खुद ब्लैक लिस्ट में डाला है तो उन्हें साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है और भारत के दोबारा से एक और आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि जो प्रवासी मजदूर हैं आप कहीं मत जाइए, मैं आपके साथ हूं, फिर भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने घर जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, आपने उनसे बातचीत की होगी, क्या कहना है? अगर सरकार ने मना किया है कि छोटा सा लॉकडाउन है आप कहीं मत जाइए, उसके बावजूद चिंता? देखिए यहाँ पर भी दिल्ली सरकार की एक लापरवाही जरूर सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारे पास समय है, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, हम परिस्थिति को संभालना चाहते हैं, मगर फिर लास्ट में जब कहा कि 6 दिनों का हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, मगर वो उन्होंने फिर भी आश्वासन दिया कि मैं हूं ना, मगर जनता को सिर्फ मैं हूं ना से मतलब नहीं था, जनता को रोटी चाहिए थी क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, शायद ये उन एसी कमरे वालों को बैठने वाले लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों ने खुद कहा, हमने एक ऑटो रिक्शा वाले से बात करी थी जब उसने कहा था कि एसी में बैठने वाले लोगों को बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है कि धूप में रहकर किस तरीके से 2 वक्त की रोटी कमाई जाती है और अपने बच्चों के लिए कमाई जाती है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास समय था, जिस तरीके से उन्होंने पहले वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया, कह सकते हैं 1 सप्ताह का, कह सकते हैं नॉर्मल कर्फ्यू लगाया गया था, नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद 6 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास समय जरूर था, मगर समय रहते हुए जनता के लिए कुछ उपलब्धियां करानी थी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश की राजधानी में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और अब भारत की छवि विदेशों में भी खराब होने लगी है, ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए ENB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कोरोना काल में कैसे हालात हैं, खासकर देश की राजधानी में। कश्मीरी गेट, राजीव चौक समेत कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बंद कर दी गई है, ये दिल्ली का लॉकडाउन है। आपको बता दें कि बोरिया बिस्तर समेट कर प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने घर लौटने लगे हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर पूरी तरीके से भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। विवाह समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है, उससे ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को अनुमति सरकार की तरफ से दी गई है। दिल्ली में कल 23,686 नए केस सामने आए हैं। दवाओं, बिस्तर, ICU और ऑक्सीजन की गंभीर समस्या देश की राजधानी दिल्ली में है। आपको बता दें कि कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बंद है, एंट्री उसकी बंद है। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन की एंट्री बंद है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन की एंट्री बंद है, उसके अंदर लोग नहीं जा सकते हैं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन और MG रोड मेट्रो स्टेशन पर जो है एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तो ये जो दिल्ली के हालात हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ लॉकडाउन की शुरुआत रात 10 बजे से हुई थी और पूरे 6 दिनों तक ये लॉकडाउन चलने वाला है।
और पंजाब के पटियाला से अविनाश कंबोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता है। अविनाश, पटियाला का अपडेट बताइए, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और पंजाब की सरकार भी सख्त है, चाहे वो कर्फ्यू को लेकर फैसला हो या फिर पाबंदियों को लेकर। जो हालात है बिल्कुल गंभीर बन चुके हैं और आंकड़ा ही रोजाना ही डराने योग आ रहा है। जिस प्रकार से कल भी जो आंकड़ा रात को पेश हुआ है सरकारी, 291 पॉजिटिव केस आए और 7 लोगों की मौतें भी हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट पटियाला में। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो डराने योग आ रहा है और अब एक्टिव केस है जो 2879 हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो रोजाना ही कोरोना के बढ़ते केस हैं डराने योग है। लोगों को अवेयर पुलिस द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा बार बार अपील की जा रही है कि मास्क पहन कर रखे। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही का जो खामियाजा है वो रोजाना भुगतना पड़ रहा है, जो कि आंकड़े रोजाना बढ़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार के द्वारा जो हिदायतें की गई हैं, जैसे एतवार को दुकानें भी बंद रहेंगी और रात को जो कर्फ्यू का टाइम है वो भी बढ़ा दिया, 8 से 5 कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन और सरकार के द्वारा सख्ती की जा रही है ये लोगों के लिए है, क्योंकि आंकड़े जो रोजाना आ रहे हैं वो डराने योग आ रहे हैं। जी गौरव, रामनवमी पर एक दिन के लॉकडाउन का भी फैसला लिया गया है और ये इसलिए ताकि जो गैदरिंग है वो ना दिख सके, क्योंकि जहां पर भीड़ इकट्ठी होगी जाहिर सी बात है वहां पर कोरोना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर अगला सवाल है, क्योंकि कई राज्य सरकारें जो हैं शिकायतें केंद्र सरकार से कर रही है कि वहां पर वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और राज्य और केंद्र सरकार के बीच में इस बात को लेकर बहसबाजी भी चल रही है। पंजाब का हाल बताइए इस चीज़ को लेकर। अगर बात करें, वैक्सीनेशन का दौर जारी है, वैक्सीन जो रह गई है 3 दिन का कोटा रह गया। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को कहा भी है कि हमारे पास 3 दिन का स्टॉक रह गया है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन का जो दौर है वो तेजी के साथ हो रहा है और वैक्सीन की कमी भी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से सरकार, पंजाब सरकार ने पहले ही बता दिया कि हमारे पास 3 दिन की वैक्सीन रह गई है, केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जो वैक्सीन है वो भेजे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पटियाला के हालात, पंजाब के हालात हम आपको बताएं तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है वैक्सीन का। पंजाब सरकार की तरफ से कह दिया गया है केंद्र सरकार को कि उनको वैक्सीन चाहिए, लेकिन कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जब वैक्सीन की मांग और ऑक्सीजन की मांग उनकी तरफ से की जाती है तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बहस सी छिड़ गई है। राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है कि सरकारें अब राजनीति कर रही हैं। केंद्र सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन हालात इस समय देश के जो हो चुके हैं वो चिंताजनक हैं। देश में तो सरकार की स्थिति तो खराब है ही, विदेशों में भी हो चुकी है। कोरोना की वजह से हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि ब्रिटेन ने भी भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं भारत से वहाँ पर जाने वाले, उन पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं कोरोना को लेकर, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। देश भर में कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है, हर राज्य में कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का बयान कोरोना को लेकर सामने आया है, वो क्या बयान है आपको बताते हैं। भारत में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सभी यात्री भारत यात्रा करने से बचे। ये बात कही गई है कि सभी यात्री भारत यात्रा करने से बचे। अब विदेशों में क्या छवि है वो देखने को मिल रहा है, वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके यात्रियों को भी खतरा है, ये बात कही गई है। आर एन तिवारी डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि चिकित्सक हैं। डॉक्टर तिवारी, बड़ा सवाल इस समय कोरोना की स्थिति को लेकर हो जाता है। अब मैं पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि सिर्फ हमारे देश में ऐसे हालात हैं, लेकिन विदेशों में भारत की छवि बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी चिंता जताई है कि बहुत ज़्यादा खतरा है, जो भारत से यात्री आएंगे उनको एंट्री ना दी जाए। मतलब विदेशों में स्थिति इस समय खराब हो चुकी है। हाँ, बहुत बड़ी आबादी, और ब्रिटेन की आबादी और अमेरिका की आबादी में बहुत बहुत अंतर है भारत की आबादी से। और यहाँ जो रेशियो है, मैं तो मानता हूँ, मेरा अपना मानना है कि मोर्टलिटी रेट जो है हमारा बहुत कम है उनकी अपेक्षा, है ना। और ये फैक्ट है कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सीवियरिटी रहती है, जो इसका कोरोना का जो इफेक्ट जो इतना सीरियस होता है बॉडी पे, वो आफ्टर वैक्सीनेशन कम हो जाता है।
मैं देख रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस में, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग ऑलरेडी जिनका वैक्सीनेशन हो गया है उनको तकलीफें कम आ रही हैं, और जो जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनको तकलीफें ज्यादा आ रही हैं। तो अब रही बात ये है कि अब इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या में तो केस भी ज्यादा निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रशासन को ही नहीं सारे की सारी जनता भी, जो जो इस समय जो कोरोना के का मापदंड रखा गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है या उसको सैनिटाइजेशन का रख लें, ये बीच के दिनों में बिल्कुल से हट गया। बीच के दिनों में मतलब लोगों ने होली भी मनाई और तमाम तरीके के अभी तमाम पर्व चल रहे हैं, तमाम कुंभ स्नान हो रहा है, मतलब कहीं से भी जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको फॉलो करने में हम चूक गए, इसकी वजह से ये स्थिति बनी है। और नेचुरली लोग तो बोलेंगे, अदर कंट्रीज के लोगों का तो बयान इस तरीके का आना ही आना है जी। ठीक है, अगर हम वो कंपैरिजन में जाएंगे, कंपेयर करने जाएंगे, तो मोर्टेलिटी हमारे यहाँ बहुत कम है उनकी अपेक्षा। हमारे यहाँ लोगों में रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर उनकी अपेक्षा ज्यादा है। ये बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ मोर्टेलिटी का रेट जो है बहुत गिरा हुआ है, बहुत कम है, उनसे उनकी अपेक्षा कम है। हाँ, ये फैक्ट है कि संक्रमण जो है, संक्रमण की स्थिति हमारे देश में अब बहुत ज्यादा बन चुकी है। अब ये कम्युनिकेशन, अब ये मतलब ये इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब किसको ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ अभी भी कोरोना के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तमाम जगह पे, तमाम जो मैं तो कई जगहों को देख रहा हूँ कि हर जगह पे इस तरीके की कोई बात नहीं है, लोग फ्री हैं और आराम से जो है उनको ये नहीं लग रहा है कि कोरोना महामारी है, फैली हुई है, हमको कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा विषय है। अब लोगों जो विदेशों से बोल रहे हैं, लोग विदेशी लोगों का जो विदेश के देश है वो जो कमिटमेंट पास कर रहे हैं कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो है, हमारे यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग डेली रोज जो है पॉजिटिव हो रहे हैं, बड़ा एक बड़ा रेशियो है मैडम। इसको देखते हुए पूरा विश्व ये कहेगा कि ये ज्यादा संक्रमित देश है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है मैडम। और अभी भी मैं ये प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से और लोगों से, आम जनता से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी स्थिति बहुत बेकाबू नहीं हुई है, सारे फ्रंटलाइन वर्कर जो है लगे हुए हैं, आपको भी साथ देना है, आम जनता को अब आना है इसको कोरोना को हराने के लिए। खाली फ्रंटलाइन वर्कर या प्रशासन ही अब पर्याप्त नहीं होगा जी। अब जो है आम आदमी को आना होगा, आम आदमी को खड़े होना होगा। अगर कहीं कोई कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है तो आम आदमी उसको रोक लगाया कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, आप मतलब बिना मास्क के आप जो है एंट्री, कोई भी शॉप हो, कोई भी दुकानदार हो, कहीं पे भी कोई आदमी, एक आम नागरिक की, एक आम जागरूक नागरिक की तरह लोगों को अब खड़ा होना होगा, तभी जाके इस पे रोकथाम लग सकती है मैडम। डॉक्टर तिवारी, लॉकडाउन को लेकर आपसे मेरा सवाल है, क्या लॉकडाउन समाधान है इस चीज का? देखिए मैडम, लॉकडाउन एक समाधान हो सकता है, लेकिन कब तक, जब तक कि हम उस लॉकडाउन में, हम लॉकडाउन क्यों करते हैं, प्रिपेयर्ड करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करें हमारे यहाँ टेस्टिंग बढ़े, हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर पाए। अभी जैसे जैसे मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट आया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ओपीडी में उसको दिखा, मुझे लगा कि ये जो है कोरोना पॉजिटिव है, मैंने टेस्ट कराया, उसका रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसके कॉन्टेक्ट में मैं भी हूँ और उसके घर के लोग हैं, सबका टेस्ट होना जरूरी है मैडम, वहां तक वो बहुत नेसेसरी है, उस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो उनको आप जो है क्वारंटाइन कर सकते हैं उनके घर में, या उनको जरूरत है आइसोलेशन की, मुझे नहीं लगता कि सबको आइसोलेशन की जरूरत है, क्वारंटाइन की भी जरूरत है, तो अपने घर में क्वारंटाइन हो सकता है, उसको क्वारंटाइन चार्ट दिया जा सकता है कि भाई आपको इस तरीके से इतने दिन आपको घर में रहना है, ये खाना है, इस तरीके से डाइट चार्ट वगैरह, मेडिसिन चार्ट देख के उसको मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन हम अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए करें, लॉकडाउन से संक्रमण कम नहीं होगा,
ऐसा नहीं, माइग्रेंट तो निकलेंगे, पब्लिक निकलेगी, लोग यहाँ अफरा तफरी का माहौल होगा। तो हम सिर्फ अपने आप को लॉकडाउन करके प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो असुविधाएं हैं, जो असुविधा है, जो तकलीफें हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे वो बेड की कमी हो, चाहे वो आईसीयू की कमी हो, चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को जन जागृति की कमी हो रही है, लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर जो लॉकडाउन का पीरियड होता है, मिनिमम पीरियड रखिए, फिर एक दो दिन का रेस्ट दीजिए, एक दो दिन के रेस्ट के बाद लोग जो है जो तकलीफ में है वो अपना काम कर सके, ये जो भी जरूरतें हैं वो अपनी पूरी कर सके। लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं, लॉकडाउन से कोरोना कम हो जाएगा ऐसा मेरा अपना मानना नहीं है। ये लॉकडाउन सिर्फ हम लॉकडाउन का ये एक रणनीति है कि इस पीरियड में हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। पिछले एक साल में हम अपने आप को कितना प्रिपेयर कर पाए वो सारी जनता जानती है, सारे के सारा का सारा प्रशासन जानता है, सरकार भी जानती है। हमें प्रिपेयर करना था, अपने आप को तैयार करना था, हम नहीं कर पाए। आज उसका परिणाम जो है आम लोग भुगत रहे, आम लोग भी उसमें शामिल है, जनता भी शामिल। जनता ऐसा नहीं कि कहीं दोषी नहीं है, जनता भी पूरी दोषी है। आज भी मैंने आपको पहले बताया कि जनता भी क्या कर रही है कि जो कोरोना गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रही है, लोग आज भी वैक्सीन लगाने में डरते हैं, लगाऊंगा मुझे क्या होगा, क्या तकलीफ हो जाएगी। कोई भी वैक्सीन हो, कोवैक्स हो, कोविशील्ड हो, लोग नहीं जा रहे, नहीं जाते लगवाने। ये सब सारी चीजें, मेरा अपना मत है कि लॉकडाउन अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए ये समय ठीक है, इसलिए लॉकडाउन करना ठीक है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉकडाउन से ये केसेस कम हो जाएंगे, माइग्रेंट रोड पे निकल जाएंगे, चलने लगे, ऐसा कुछ लॉकडाउन में आप हम सभी लोगों ने देखा, पूरा देश देखा जी। रोड पे निकल गए, रोज रास्ते से जाने लगे, कोई साइकिल से गया, कोई कैसे गया, तमाम लोग जो है बाहर चल गए। तो ये जहां भी जाएंगे अगर उसमें कोई इन्फेक्टेड रहा, संक्रमित रहा, तो 10 लोगों को संक्रमित करेगा, 10 लोग जो है 100 लोगों को, ये हमको चेन ब्रेक करना है जी। हम सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार अपील करूंगा, शासन से, प्रशासन से, सरकार से और आम नागरिक से, जनता से मैं चाहूंगा कि प्लीज, मैं बार बार यही कहा कि अब हमें रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, अब इसको रोकना है हमें, और एक साथ कंधे से कंधा मिला के आम आदमी हो या फ्रंट लाइन वर्कर हो या गवर्नमेंट हो, सबको साथ आना पड़ेगा, सभी जाके इसको रोक सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ इस समय अरविंद विद्रोही, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। विद्रोही जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और पहला सवाल मेरा कोरोना की स्थिति को लेकर तो होगा ही, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर भी आई है और जो कि भारत के लिए बुरी खबर भी है, ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ है। अमेरिका ने भारत से जो जाने वाले लोग हैं उन पर बैन लगा दिया है। विदेशों में छवि खराब हो चुकी है भारत की, आपका रिएक्शन? कोई छवि खराब होने की बात नहीं समझनी चाहिए, ये प्रिकॉशंस है और अमेरिका ने प्रिकॉशंस अपने नागरिकों के एक तो सुरक्षा के लिए लिया ही है, साथ साथ इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। अगर अमेरिका भारत के लोग नहीं जा सकते हैं तो अमेरिका से भी भारत में लोग वापस नहीं आ सकते हैं, बाहर से भी नहीं आ सकते हैं। और एक तरह से संक्रमण रोकने की एक अच्छी पहल अमेरिका ने जो है अंतरदेशीय स्तर पर किया है, तो भारत भी इस कदम को उठाने के लिए भारत में भी सोचा जाना चाहिए। आज शाम को बात करेंगे उनकी अमेरिका के इस कदम के बाद। मुझे लगता है विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मेदार इस बात को देखेंगे और इंटरनेशनल फ्लाइट पर, इंटरनेशनल आने जाने पर रोक लगेगी। ये चाइना का वायरस है, चाइनीज वायरस है, इसका असर जो है पूरा विश्व भोग रहा है, भारत भी भोग रहा है। ये कोई भारत का या भारत में जनित वायरस नहीं है। हाँ, संक्रमण भारत में भी जम क्यों हो रहा है, इसलिए अमेरिका ने सावधानी बरती, वही सावधानी सारे राष्ट्रों को बरतनी है, हमको आपको सबको बरतनी है। ठीक आ जाए, लॉकडाउन को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो वहां पर 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है, मुंबई की बात करें तो वहां पर वीकेंड कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, अन्य जितनी भी राज्य सरकारें हैं अपने अपने हिसाब से उन्होंने फैसले ले लिए हैं ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके, कैसे देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, पिछले बार जब ये कोविड-19 की शुरुआत हुई तो किसी को नहीं मालूम था
इसको रोकने के उपाय क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कुछ नहीं मालूम था, जीरो थे सब लोग। उस समय केंद्र सरकार की ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन लगाया था, तमाम लोगों ने जो लॉकडाउन का विरोध किया था, लेकिन वो उस समय का लॉकडाउन का केंद्र सरकार का निर्णय क्यों अच्छा था ये आज की तारीख में बिल्कुल समझ में आ रहा है। और विभिन्न राज्य सरकारें जीवन बचाने के लिए लॉकडाउन लगा रही है, साथ ही साथ बहुत सी राज्य सरकारें जीवन और जीविका दोनों को बचाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी कर रही है, नाइट कर्फ्यू भी लग रहा है और लोगों से अपील हो रही है कि मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन ये काम करिए। साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार है कि भाप लीजिए, काढ़ा लीजिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, तमाम रास्ते बताए जा रहे हैं। इस समय बात सबसे ज्यादा जरूरी काजल जी ये है कि स्वास्थ्य निर्देशों का 100% पालन हो, हम आप सारे लोग करें और दूसरे को पर जिम्मेदारी थोपने की जगह अपनी रक्षा आप करें। हम लोग को एक मंत्र जो होता है कि सबसे पहले हम अपनी सिक्योरिटी की व्यवस्था करें, हाँ। वो जारी रखने की जरूरत है। जब हम सकेटेंगे उसके बाद समाज और सरकार पर हम प्रश्न लगा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको अपने पर ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सुरक्षित रखने के सारे उपाय जो WHO स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर, चिकित्सक, आयुर्वेदिक लोग या हमारे घर के बुजुर्ग जो बता रहे हैं, सारे उपाय कर लीजिए। किसी से कोई नुकसान नहीं होना है, कोई ना हो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। काजल जी हमारे साथ इस समय ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। ईशान जी बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। और सवाल मेरा इसीलिए आपसे होगा क्योंकि हमारे देश में कोरोना एक तरफ और राजनीति एक तरफ हो रही है। वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन की अगर कमी होती है या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार से मांगती हैं, केंद्र सरकार बोलती है नहीं जी हम तो पूरी मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें राजनीति कर रही हैं। आपका रिएक्शन? जी काजल जी, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा जो प्रसिद्ध कवि हैं दुष्यंत कुमार जी, उनकी बात से, उनकी एक कवि का अंश पढ़ना चाहूंगा। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर भर के लिए। तो आप इसको चिराग की जगह वैक्सीन बोल सकते हैं जी। लेकिन मैं सीधा सीधा सवाल केंद्र की सरकार पर उठाता हूँ। जब भारत जैसा देश जो कि वैक्सीन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है पूरे विश्व में, उसका जो वैक्सीन लगाने का ग्राफ है वो ऐसे गिर रहा है नीचे कि जब हमारे जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि वैक्सीन ड्राइव होगी, एक फेस्टिवल मनाया जाएगा, तब तो थोड़ा ऊपर बढ़ा वैक्सीन लगाने का ग्राफ, लेकिन फिर नीचे गिर गया। अभी अभी मैंने पढ़ा न्यूज में कि नीति आयोग की फिर खबर आ रही है कि जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है भारत में वो जुलाई से बेहतर होगी। अभी 2-3 महीने कोरोना वायरस कहीं नहीं गया, इसी तरह से कोरोना वायरस के केस बढ़ते रहेंगे, इसी तरह से लोगों की जाने जाती रहेंगी। सरकार ने पिछले 6-8 महीने में कोरोना वायरस में विजय घोषित कर दी थी, बहुत जल्दी विजय घोषित कर दी थी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो, किसी ने भी अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। 7-8 महीने कोरोना वायरस ने हमें दिए फर्स्ट वेव के बाद कि हम अपना हेल्थ स्ट्रक्चर इंप्रूव कर सके, हॉस्पिटल बेड बना सके, आईसीयू बना सके, वेंटिलेटर बना सके, लेकिन हम एक्सपोर्ट करने में लगे रहे। हम उसके बाद चुनाव में लगे रहे, बिहार चुनाव में लगे रहे, फिर हम 5 राज्यों के चुनाव में अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से रैलियां चल रही है उसमें लगे रहे। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई सीरियसनेस इसमें नहीं दिखाई है। अभी जो विद्रोही जी बोल रहे थे, अगर मैं उनका नाम सही कैच कर रहा हूं तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, सरकार पर आप सब चीज नहीं छोड़ सकते। मेरी लोगों से ये 6 अपीलें हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को जब भी बाहर जाएं, घर में हो तो आप अपना रेगुलर हैंड वॉश करें, टीम लें। 5वीं चीज ये है कि देखिए, वायरस एक ऐसी चीज है जो खुद आपके घर नहीं आता, आप उसको इनवाइट करते हैं। तो आप जितना बाहर जाएंगे उतना ही आप वायरस को बाहर से अंदर लेकर आएंगे, अपने बुजुर्गों को रिस्क पर डालेंगे, अपने आप को रिस्क पर डालेंगे और अपने बच्चों को रिस्क पर डालेंगे। तो अगर आपके रोजगार के साधन आपको अलाउ करते हैं कि आप घर से काम कर सके तो घर पे रहिए, बिना किसी विशेष वजह के बाहर मत जाइए बिल्कुल भी। लास्ट चीज मैं ये बोलूंगा कि देखिए, अभी जो 1 मई तक 45 वर्ष से ऊपर के लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, हालांकि वैक्सीन बहुत कम है भारत में, लेकिन जितने लोग करवा सकते हैं वो करवाएं, और 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के लोग जो हम जैसे युवा लोग हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बिल्कुल वैक्सीनेट करवाएं।
अरविंद विद्रोही जी, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगी कि या इस चीज को तो मानना होगा कि कहीं ना कहीं सरकारों की लापरवाही रही है, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकारें हों। एक साल का वक्त गुजर चुका है सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल में, या फिर यूं कह सकते हैं कि 2021 पूरा कोरोना काल में गुजरा है। अगर सरकारें चाहती तो इंतजाम बहुत हो सकते थे, लेकिन हो नहीं पाए। आपका रिएक्शन? काजल जी, सकारात्मक कल से मैंने सोच लिया है कि सकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान दूंगा जी, और जो नकारात्मक पक्ष है, जो कमी पक्ष है, वो सामने आ रहा है, खूब आ रहा है, जम करके आ रहा है, लेकिन सकारात्मक बात की तरफ मैं ध्यान दिला दूं। कोई भी बीमारी होती है उसका उससे निपटने के लिए परिवार, समाज और सरकारों की सेवाएं जो है उपलब्ध रहती है, उसमें नौकरशाही का, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए लोगों का जो कदाचरण होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसका खामियाजा सामान्य बीमारी की अवस्था में हमको आपको भुगतना पड़ता है। जब हम उस समय नहीं लड़ पा रहे थे, तो जो संक्रामक रोग महामारी का रूप ले चुका है, हम उन बीमारियों से जिसमें समाज जी रहा है लगातार, उससे कैसे लड़ते। आज ये भी खबर आ रही है कि वेंटिलेटर कई सरकारों के पास पड़े हैं और उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आज ये भी खबर बिल्कुल स्पष्ट है और मैंने इसको प्रत्यक्ष देखा है कि ऑक्सीजन की उतनी आवश्यकता ना होने के बावजूद भी जिनके घर में रोगी है, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से हुआ तो उसको अपने पास जमा कर लिया। जमाखोरी चाहे राशन की हो, चाहे जीवन बचाने वाली दवाओं की हो, इंजेक्शन की हो, उसको हमको, आपको, आम नागरिकों को नहीं रोकना चाहिए। और संक्रामक रोगों के प्रसार प्रसार को नापने में स्वास्थ्य विभाग और नौकरशाह फेल रहे। आम जनता के कहना है कि आम जनता तो बिल्कुल मस्ती होली भी जम करके खेला, और आज की इतनी बदहाल तारीख के बाद काजोल जी, नॉनसेंस टाइप के जो प्रश्न होते हैं कि हमको से क्या होगा, मास्क लगाने से क्या होगा, और तो और मैसेज वायरल होते हैं कि परिंदों को क्यों नहीं हो रहा है, वैक्सीन लगाने के बाद क्यों लोग, जो उपाय है उनको करने की जगह लोग आज बड़े बड़े समय की भी कमी है मेरे पास। ईशान जी, आपका लास्ट रिएक्शन लूंगी। राज्य सरकारें राजनीति कर रही है, क्या लग रहा है आपके हिसाब से? नहीं देखिए, राज्य सरकारें कोई राजनीति नहीं कर रही है। मेरा मानना यह है कि अगर महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में इतने केसेस आ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि वो ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, जो बड़ा प्रदेश है, या फिर मध्य प्रदेश में क्यों इतने केसेस नहीं आ रहे? क्योंकि देखिए, डेटा का गबन हो रहा है, डेटा सही सामने नहीं आ रहा है लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश की सरकार बोल रही है कि कोई मौतें नहीं हो रही। अगर आप काजल जी वीडियो उठा के देख रहे हैं ना, गाजियाबाद के शमशान घाटों की, तो इतनी भयावह वीडियो है, लोग फुटपाथ पे मर रहे हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी मेरे पास कमी है। तो कोरोना वायरस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो राजनीति की अलग बात हो, लेकिन इतना तो मानना होगा कि देश में जिस तरीके के हालात हो चुके हैं, विदेशों में भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, चिंता का विषय और ज़्यादा बढ़ जाता है। सरकार की चिंता भी है, स्वास्थ्य विभाग की चिंता है, और सबसे बड़ी जो चिंता होनी चाहिए वो पब्लिक की। हम भी आपसे लगातार यही अपील कर रहे हैं, आप घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर ही निकलिए। बहुत शुक्रिया आपका, देख रही है एनबी न्यूज़। नमस्कार।